सो वेलकम बैक टू SFA टट्टी गेम ऑफ द ईयर। आप सभी का स्वागत है इस गेम के अंदर फिर से एक बार। आप सोच रहे हो कि मैं ये गेम फिर से क्यों खेल रहा हूँ, इसलिए खेल रहा हूँ कि मैं थोड़ी लाइव स्ट्रीम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम जब करेंगे हम तो उसमें बहुत सारे गेम खेलने वाले, SFA भी खेलेंगे शायद से, और PUBG ऐसे हॉरर गेम्स बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। वैसे हमको हर्ष मिले थे आज, और हर्ष का पूरी के पूरी लेजेंडरी टीम थी, और नज़दीक उनका सारे के सारे टैलेंट्स थे, सिर्फ किंग का छोड़ के और मंकी किंग के थे, ये वाले किंग के, लीजन किंग के छोड़ के और रितू के छोड़ के, सिर्फ लास्ट के एक एक टैलेंट बाकी थे, उनके बाकी सब टैलेंट थे। पर मैं कसम से थोड़ा शॉक हो गया जब मैंने रितू को खेलते हुए देखा इनके अगेंस्ट। मतलब मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड किए थे, लेकिन कभी कभी मेरे रिकॉर्डर को क्या हो जाता है, क्या होता है, वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है अपने आप से। मैंने वैसे रितू से कम से कम, मेरा रितू लेवल 7 का है, डोजो 7, कुछ कुछ लोग डोजो 7 बोलते, मैं लेवल 7 बोलता उसको। उससे मैंने 10-10 लेवल के तीनों बंदों को 1v3 कर दिया था, पर मेरे रिकॉर्डर को क्या प्रॉब्लम है क्या पता, मेरे से वो चाहता नहीं मैं SFA की वीडियो अपलोड करूँ, क्या पता क्यों। वैसे चाहते तो आप में से बहुत से लोग नहीं, और मैं भी नहीं चाहता हूँ, पर लेकिन क्या करो, थोड़ी तैयारी करो लाइव स्ट्रीम की, इसलिए थोड़ा चैनल को अलाइव रखने के लिए ये गेम थोड़ी काम आ रही है हमारे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, गेम प्ले अच्छा लग रहा है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक करो, सबसे पहले लाइक करो, मैं आपको देख रहा हूँ क्या लाइक। हाँ ओके, आप सही है, आप थम्सअप है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिंदास गेम प्ले देखो, आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा बीच में। और गेम प्ले में ये ध्यान में रखना है, मेरे रितू के पास सिर्फ 2 टैलेंट है, और मेरा रितू लेवल 7 का है, और ये सामने वाला लीजन किंग 11 लेवल का, और उसका ऑल टैलेंट सॉरी एक टैलेंट बाकी उसका सिर्फ बस। तो इससे मुझे पता चलता है, मुझे आप सभी को पता होगा कि रितू ऐसा कैरेक्टर है कि वो 6-7 लेवल पर रखी हुई है, डोजो 12 और 13 को तक हारा सकते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने स्क्रीन शॉट भी भेजते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पर, और बहुत से लोगों ने नॉर्मली भी इंस्टाग्राम या वहाँ पर बहुत सारी जगह पर भेजते हैं। रितू सच में आपने कोई कैरेक्टर ऐसा कोई हीरो ने दिए देखा होगा इस गेम के अंदर जो इतना पावरफुल हो सकता है, कसम से मैंने तो नहीं देखा अब तक, क्योंकि तो अलग लेवल पावरफुल बंदा है। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बताओ ये लेवल 11 का रेके भी मंकी किंग मेरा लेवल 12 का, इसकी हेल्थ मेरे से ज़्यादा कैसे क्या है, मुझे कसम से नहीं पता। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि ऐसा क्यों है, मुझे जानना है कसम से कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मेरा लेवल 12 का, उसका लेवल 11 का, मेरी 6000 उसकी 7490, इसे कैसे क्या, मुझे कसम से नहीं पता। मुझे बहुत बार आपसे पूछना, सॉरी बहुत वक्त से आपसे पूछना था क्वेश्चन, लेकिन मैं शर्मा रहा था, बोलेंगे बंदे यार तुझे पता नहीं ये वो, नहीं पता भाई अभी जान दो, मुझे सच में नहीं पता। कमेंट सेक्शन में बता मुझे क्यों ऐसा है, मैं इतना ऊपर रखे हुए इसकी हेल्थ मेरे से ज़्यादा क्यों। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी, बंदे ने ना कैंपिंग की ना स्पैमिंग की कुछ भी नहीं किया, इतना सब कुछ रेके भी उसके पास टैलेंट विलेंट की, तो कुछ बंदे क्या करते हैं टैलेंट विलेंट फुल होते हैं, डोजो भी उनका हमारे से हाई होता है, फिर भी कैंपिंग करते। और सॉरी हर्ष भाई, मैं आपको विन देने वाला था पर मैं कसम से भूल गया था, और मैंने थोड़ा स्पॉइलर भी दे दिया वीडियो वालों को कि मैं जीत गया था इस वीडियो के अंदर। कोई ना, हम हर बारी जीतते, हम हारते क्या कभी, हम इतने प्रो है, ओडिसी ने हमको खुद ट्रेनिंग दी इस गेम की। और जो लोग इस गेम से बहुत पछता चुके हैं, जिनको ये गेम मेरे जैसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके लिए मैं एक बहुत सही वीडियो लाने वाला हूँ, हाउ टू अनइंस्टॉल SFA। यह आपको पता नहीं होगा, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा कैसा करते हैं इस गेम को अनइंस्टॉल, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं भैया इसको अनइंस्टॉल कैसे करें, दिमाग का बवासीर रही है वो है। मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लाऊंगा भाई, टेंशन ना लो, आपका भाई है ना, आपका भाई जिंदा, तब तक आप टेंशन ना लो, तब तक आप मैच देखो, मैच में गेम प्ले अगर आपको पसंद आए तो लाइक मारो ना यार, आप लाइक भी नहीं मारते उस दिन, तो पिछले वीडियो को तो लाइक भी बहुत कम आए, मुझे लगा कि 100, 200, 300, 2-3 बिलियन तक भी लाइक आ जाएंगे, पर उतने भी लाइक नहीं आए यार, इसलिए लाइक मारो। और बात आई लिंक्स पे, तो थोड़ी लिंक्स की बात कर लेते हैं अभी। ये लिंक्स बंदा है ना बहुत मुझे पसंद है, फेवरेट है, और क्योंकि उसकी एक स्किन निकाली SFA वालों ने, उस वजह से मैं बहुत गुस्सा हुआ SFA वालों से, देखो इतना भारी बंदा है, यहाँ पर अगर मैं और बेसिक अटैक कर देता, बेसिक कैंसिल नहीं करता, तो ये बंदा कब का ही मर जाता था, इतना मुझे डैमेज दे ही नहीं पाता था। तो कोई ना, हमारा लिंक्स काफ़ी इसके सब बंदों के लिए, लिंक्स इज़ बेस्ट। पर अगर स्किन की बात, हम स्किन की बात करें, टॉपिक की बात है, स्किन इतनी बकवास बनाई है इन्होंने, बाप रे बाप, सिर्फ ऐसा लग रहा है वो कलर में भिगा के, वाइट कलर में भिगा के निकाल दी इसे, मतलब कोई कपड़ों का देखो आप कलर वाले कपड़े, उसको बार बार धोते तो उसका कलर निकल जाता है, वैसा लग रहा है कि वो ब्लैक लिंक्स के ब्लैक कपड़े इन्होंने निकाल लिए, लिंक्स को थोड़ी देर नंगा पंगा बिठा दिया रिंग कहा था भी कोने में, कपड़े निकाल के उसके कपड़े इतने बुरी तरीके से धोए इन्होंने, उसका कलर ही उतर गए, और नई न्यू स्किन बोले, अरे भाई काई की न्यू स्किन, एक रिलेवल गेमिंग नाम का बंदा था, देखो उसने एक मोड यूज़ किया था शायद से अपना लिंक्स के कपड़ों का, वाइट स्किन किया था उसने, वो सेम टू सेम वैसी स्किन बनाई है, वो शायद से वो स्किन ज़्यादा अच्छी थी इससे भी, इन्होंने तो सेम डुप्लीकेट बनाया, वो मोड वाली स्किन तो भी इससे ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे पर्सनली। मुझे ना एक बार पर्सनली ऐसा टूर करना है इनके टीम वालों के ऑफिस में जाकर, कि काम क्या करते हैं ये सब, क्या काम करता है, क्या टेंशन होता है इनके दिमाग में, इनको कुछ सोचता ही नहीं क्या बनाना है और क्या नहीं। जाने दो छोड़ो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, हम SFA के यूट्यूबर ने पहले बता दो आपको, हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, और अगर आपको SFA के अलावा दूसरे गेम्स पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। ओके सॉरी, सायोनारा बोलना भूल गया था, सायोनारा।